दूसरी गुजारिश, आजकल जो बड़ा एक मामला चल रहा है 3-4 दिन से तोशा खाने का, मेरा नाम भी उसके अंदर आया है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि तोशा खाना किसी को तोहफा नहीं देता। ये तहाइफ हैं जो मुल्क के जो अहदेदार हैं, जो अहदा रखते हैं, सदर का हो, वज़ीर आज़म का हो, वज़ीर हो, जो भी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अस्करी लोग हैं, जो जज हैं, उनको जब भी कोई तोहफा बैरून मुल्क से आता है, कि पाकिस्तानी शहरी का तोहफा नहीं होता, अगर बैरून मुल्क से कोई तोहफा मिलता है, जो भी उसकी मालियत हो, उसको आप एक इदारा है जिसे तोशा खाना कहते हैं उसमें जमा करा देते हैं। तोशा खाना उस तोहफे की मालियत का अंदाज़ा लगवाता है अज खुद, और फिर वो एक आपको ख़त भेजते हैं कि जनाब ये आपको तोहफा आया है, ये आपने रकम अगर अदा कर दें तो ये तोहफा आपका हो जाएगा। तोहफा उसकी मलकियत हुकूमत पाकिस्तान की नहीं होती, तोहफे की मलकियत जो होती है वो उस शख्स की होती है जिसको वो तोहफा दिया जाता है। लेकिन उस तोहफे को हासिल करने के लिए कानून के मुताबिक, जो कानून पिछले 50 साल से कम चल रहा है, उसको एक रकम अदा करनी पड़ती है जिसका तयन भी हुकूमत पाकिस्तान ही करती है। अब इसमें क्या जुर्म है, इसमें क्या ख़राबी है, ये ज़रा मुझे को बता दें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, जिसने भी मेरे खिलाफ़ मुकदमा बनाना है इन अदालतों में दर्ज कर दें। मैं पहले भी कई केसों में हूँ। हुकूमत पाकिस्तान अगर ये समझती है कि मैंने जो तहाइफ आए हैं उनको गलत हासिल किया है या रकम अदा नहीं की या कोई और कानून तोड़ा है, तो ज़रूर कार्रवाई करें। इखलाकी तौर पर तोहफा उसी शख्स की मलकियत होता है जिसको दिया जाता है। ये तोहफे हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिए जाते, उस शख्स को दिए जाते हैं जो उस अहदे पर हो, उसी की मलकियत होती है। यही कानून है और यही इस तोहफे का मकसद होता है। तो आज अगर ये तोहफे जो हमें बाहर से आते हैं, तो उसके अलावा ये तोहफे भी मिलते हैं जो हम आज 5-5 सालों में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए ज़रा एहतियात के साथ किसी की हद तक करने से पहले ये बातें सोच लिया करें। शुक्रिया। हमारी कोई कोशिश नई पार्टी बनाने की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पार्टियों में खुद कफील है, 140 पार्टियाँ मौजूद हैं।